कैन यू यर मी नाव अब आवाज़ आ रही है म्यूट हो गया था शायद आई वॉज़ ऑन टाइम लेकिन गलत गलत स्ट्रीमिंग चालू हो रही थी मे भी कुछ टेक्निकल एरर चालू था आई डोंट नो बट अभी सही स्ट्रीम चालू हुआ है सही पीपीटी डिस्प्ले हुआ है सही सब कुछ हुआ है तो कैन यू यर मी नाव सब सब ऐसे गड़बड़ एक तो इतने जोर से बारिश चालू हुई कुछ सुना नहीं दे रहा है मुझे मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है चलो प्लीज गिव मी अ थम्स अप मस्त अजय सर चिल्लाने वाले हैं मैंने सही स्ट्रीम चालू किया था मैं बार बार बोल रही हूँ स्ट्रीम गलत की डाल रहा था मुझे नहीं मालूम यस yes, ओके okay. ठीक है चलो सो चैप्टर नंबर फोर ओके यस गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी चलो 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 थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया अपना पाँच छः मिनट वेस्ट हो गए कोई बात नहीं चैप्टर नंबर से आपके चार से पांच एमसीक्यूज आते हैं चैप्टर नंबर से से आपके चार एमसीक्यूज आएंगे चैप्टर नंबर से से आपके चार एमसीक्यूज आएंगे चलो तीन तीन पकड़ लो ऑन एन एवरेज तीन एमसीक्यू क्यू तीन एमसी और इधर से तीन एमसीक्यू तो तीन तीन छह तीन नौ नौ और चार कितना होता है हम मिनिमम वाला गिन रहे हैं अप्रोक्सीमेटली होता है आपका फोर्टीन थर्टीन एमसीक्यूज कितना होगा अप्रॉक्सीमेटली थर्टीन एम तो आज का सेशन हम पचास साठ एम सॉल्व करने वाले हैं आराम से आपके एम की बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी ठीक है चलो सो so स्टार्ट करें हम अपने सेशन के साथ यस यस एवरीबडी शैल वी स्टार्ट सब लोग एक बार चैट बॉक्स में यस yes बोल दो जल्दी जल्दी क्विकली फटाफट से यस yes बोल दो जल्दी जल्दी स्टार्ट करें स्टार्ट करें स्टार्ट करें, स्टार्ट करें बिल्कुल 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 टाइम नहीं वेस्ट करना है चैप्टर नंबर फोर फाइव सिक्स एंड सेवन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ओके चलो स्टार्ट करते हैं ओके ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट ये आपका पहला क्वेश्चन चलो स्टार्ट करो टाइमर पीछे चुप गया है आप अपने हिसाब से टाइमर काउंट करो और स्टार्ट करो ऑल द बेस्ट एवरीबडी दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर फोर नोटबुक लेकर आंसर लिखते जाओ आ नोटबुक लेकर आंसर लिखते जाओ ओके फ्रेडरिक मिशेर ने क्या डिस्कवर किया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया था इन्होंने हमको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था तो so, टू का आंसर क्या आएगा डी ओके फ्रेडरिक मिशेर ने क्या किया था इन्होंने बायोकेमिकल ओके ओके आइडेंटिफाइड द एसिडिक सब्सटेंस न्यूक्लियन इन न्यूक्लियस फ्रेडरिक मिशेर का आएगा बी तो ऑप्शन नंबर डी में सिर्फ वन का ऑप्शन बी है सिलेक्टिव स्ट्रैटेजी के हिसाब से जाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर यस इसको बोलते हैं सिलेक्टिव स्ट्रैटी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल टाइम पास नहीं चाहिए दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर फाइव ऑन हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं मैं अपने सेशन में बिल्कुल भी टाइम पास भंकस मस्तरी नहीं चाहती इसीलिए आप लोग ऑनेस्टली आओ अटेंड करो फिर से जाओ रिविजन करो ओके okay? आई होप कल का सेशन सबने अटेंड किया होगा कल के सेशन में सबके अच्छे से मार्क्स आए होंगे यस चलो वट इज जीन पूल पूल मतलब क्या होता है जहाँ पे सारी चीजें जमा होती हैं कलेक्टिव तो किसका जीन्स हम कलेक्टिव काउंट कर रहे हैं क्या काउंट कर रहे हैं हम जीन्स काउंट कर रहे हैं पूरे के पूरे पॉपुलेशन का तो सम टोटल यानी कि एडिशन ऑफ जीन्स ऑफ अ अशन एक पॉपुलेशन में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सबके जीन्स एक साथ ऐड करना सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्लियर है सबको चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर सेवेन यस चलो एप्सिसिक एसिड प्रमोट्स व्हाट ये अबे नहीं है दिस इज आबा यानी कि एप्सिस एसिड क्या प्रमोट करता है ये इस इट इज अ स्ट्रेस हार्मोन स्ट्रेस कंडीशन में प्लांट अपना पानी प्रिजर्व करेगा एंटी ट्रांसपेरेंट करेगा जिसके वजह से जितने भी लीव्स हैं सारे के सारे लीव्स क्या हो जाएंगे नीचे गिर जाएंगे सो लीव फॉल यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर एक्सेलेंट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बिल्कुल टाइम पास नहीं कर रहे हम फ्रॉम चैप्टर नंबर सिक्स दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर नंबर सिक्स पी वाले बच्चों का एडमिट कार्ड 26 जुलाई को आ जाएगा बजे के एक बजे के बाद चेक करना अभी चेक करना अगर आ जाएगा थोड़े टाइम के बाद एक दो बजे के बाद चेक करना सेशन खत्म होने के बाद चेक करना सो पी बच्चों का आज एक बजे के बाद आप चेक करना एक दो बजे के बाद और पी अगर आ गया होगा PCM वाले बच्चों का तो देख लेंगे हम ठीक है और पी वाले बच्चों का सेकेंड ऑगस्ट को आएगा ओके okay? आपके साथ पी का एग्जाम मैं भी देने वाली हूँ चलो कि कौन सी प्रॉपर्टी वाटर की प्रॉपर्टी नहीं होती है इट प्रोवाइड्स एनर्जी नेसेसरी फॉर मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन वाटर से एनर्जी नहीं मिलती सो ऑप्शन बी इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर फोर देखो इतनी शिद्दत से इतने ऑनेस्टी के साथ मैं आपका बिना टाइम पास करे आपका सेशन करा रही हूँ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये सेशन शेयर करें उनको बोले कि भाई इधर टाइम पास नहीं होता है आ जाओ पढ़ने के लिए कम से कम एम प्रैक्टिस हो जाएगी है ना? चलो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग हमने पढ़ा था ना ऑल गॉड्स आर प्योर ए फॉर एंडी जी फॉर ग्वा एंड प्योर यानी कि प्यूरिन तो एडी और गोनाइन प्यूरिन तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हैडी करेक्ट है सबको समझाइए क्वेश्चन एक बार थम्स अप दे दो चैट बॉक्स में जल्दी से चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर फाइव कमॉन कल के सेशन में किसका किसका मार्क्स सिक्सटी में से फिफ्टी अबव आया है जिनका फिफ्टी अबव आया है गुड आप अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हो जिनका फिफ्टी फाइव प्लस आया है वेरी गुड आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हो और जिनका फिफ्टी सेवन प्लस आया है कल के सेशन में तो वेरी वेरी गुड आपको बस थोड़ा सा टेक्स्ट बुक रीडिंग करने की ज़रूरत है एक्सीलेंट ओके वेरी गुड वेरी गुड चलो आपने कितने क्वेश्चन हो गए पाँच छः कितने क्वेश्चन हो गए मैंने नंबर नहीं डाला है जेनेटिक ड्रिफ्ट इज इफेक्टिव इन स्मॉल पॉपुलेशन स्टेटमेंट टेक्सट बुक का स्टेटमेंट है सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज फ्राम चैप्टर नंबर सिक्स चलो सेल वॉल इज डैश बट प्लाज्मा इन इज डैश बताओ कितने क्वेश्चन हो गए हमारे आठ दस कितने हो गए यस yes. जिसका जिसका ये क्वेश्चन राइट आएगा फटाफट से लाइक like बटन पे क्लिक कर दो सेल वॉल इज फ्रीली परमीएबल क्योंकि ये बाहर होती है रूट हेयर की सेल वॉल बाहर होती है ये सब कुछ अंदर अलाउ करती है ऑडिशन राउंड ऑफ कॉम्पिटिशन एंड सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमीएबल सो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर फ्रीली परमिएबल एंड सिलेक्टिवली परमीएबल करेक्ट किसका किसका ये आंसर राइट है फटाफट फड़ से लाइक like बटन पे क्लिक कर दो जल्दी कम ऑन ये चालो वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रोथ इनहिबेटर बताओ कौन सा हार्मोन ग्रोथ इनहिबिटर होता है Yes, ग्रोथ स्टॉप करने वाला ओके okay. तो ऑक्सिन ग्रोथ प्रमोटर है साइटोकाइनिन ग्रोथ प्रमोटर है एप्सिस एसिड ग्रोथ इनहिबिटर है और गिब्रलिन ग्रोथ प्रमोटर है सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इट इज ग्रोथ इनहिबिटर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर फोर ये आपके टेक्स्ट बुक के ब्लू बॉक्स में से दिया गया है चलो लेट सी हु ऑल कैन आंसर इट यस बच्चा कम ऑन आंसर करो सीधा अपने का बेटा। रिप्रेसिबल रेगुलेशन ऑफ जीन इज सीन वेन एंड बायोसिंथेटिक पाथवे लाइक अमीनो एसिड इज प्रोवाइडेड इन मीडियम एट दिस टाइम इंटरनल अमीनो एसिड स्टॉप्स क्योंकि आपने बाहर से अमीनो एसिड दिया हुआ है तो इट इज ऑफ जीवल्ड इन प्रोडक्शन ऑफ मेटोलाइट और इसको हम बोलते हैं फीडबैक रिप्रेशन जब हमारे आर्टिफिशियल मीडियम से कोई पर्टिकुलर ऑप्शन दे रही हूँ न्यूट्रियट तो सेल को वो बनाने की जरूरत नहीं है और ये कैसे पता चला क्योंकि सेल के मैकेजम ने वो फीडबैक दिया सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर फाइव आपका मेरा फेवरेट क्वेश्चन टेबल नंबर एंड फाइव पॉइंट वन एट रोज आपको मैंने दिन में दो बार लर्न करने बोला है ये टेबल चलो क्विकली क्विकली यस दिस इज फ्रॉम टू थाउजेंड फिफ्टीन आई क्वाइट ओके okay. क्या आएगा इसका आंसर सब बी बोल रहे हैं चलो देखते हैं बी बोला है सब बच्चों ने देखते हैं इसका आंसर क्या आता है कि ये क्या है सर को ब्ला 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 इतना बड़ा नाम है तो ये तो हमने ऑप्शन ही नहीं पढ़ा है करेक्ट मैच पूछा है आपको लेम्यूर बिलोंग्स टू प्रोसीमी यस ये देखो इधर पे लेमयर किसको बिलोंग कर रहा है एक मिनट मर गया है हाँ लेम्यूर किसको बिलोंग कर रहा है बच्चों इट बिलोंग्स टू प्रोसीमी करेक्ट और न्यू वर्ल्ड मंकी किधर पे प्रेजेंट होता है न्यू वर्ल्ड मंकी क्या एग्जांपल है होमिनोइडे नो न्यू वर्ल्ड मंकी का एग्जांपल आएगा आर्थ्रो एंथ्रोपोइडे और टार्सियर का एग्जांपल आएगा प्रोसिमियर मतलब उसका क्लास आएगा प्रोसीमियर सब सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन चलो फ्रॉम चैप्टर नंबर सिक्स कमान देखते हैं किसका किसका राइट आएगा चलो फास्ट मत करो रे चैट मत करो बात मत करो आपस में आंसर दे दो सीई एग्जाम नजदीक आ गया है तुम्हारा रोमांस एग्जाम में काम नहीं आएगा क्या बोलूँ अपना सर खोड़ लेती हूँ अब मैं समझ में ही नहीं आता तुम लोग चलो वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन हाई हीट ऑफ फ्यूजन मैक्सिमम बच्चों ने डी जवाब दिया है क्या लगता है सही आंसर है डी चलो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर परफेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर सेवेन यस जिनको ये क्वेश्चन इजी लग रहे हैं इसका मतलब आपने चैप्टर को अच्छे से स्टडी किया है आपने मेरे सारे सेशंस देखे हैं अगर आपको ये चैप्टर इजी लग रहा है मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन इजी लग रहे हैं मतलब ये नहीं है कि सी इजी है इसका मतलब आपने प्रिपरेशन थोड़ी अच्छे से की हुई है और जिसको डिफिकल्ट लग रहा है उसको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है जिन बच्चों का मार्क्स अभी भी बिलो फोर्टी है तो वो लोग क्या कर रहे हैं बताओ मुझे किसका किसका मार्क्स बिलो फोर्टी जा रहा है गिब्रलिन सिंथेसाइज करने के लिए कौन सा प्रीकर्सर चाहिए होता है काइनेटीन से साइटोकाइनिन बनाते हैं एसिटिक एसिड आसेट से इंडोल ये इंडोल एसिटिक एसिड आसेट ट्रिप्टोफेन से बनता है मतलब इससे अपना ऑक्सिन बनेगा एक मिनट यस yes, रुतुजा जो बच्चे हैं कंटिन्यू मुझसे पढ़ रहे हैं उनको ये इजी लगेगा तो ट्रिप्टोफैन से आपका ऑक्सीजन बनता है बचा मेवलोनिक एसिड इससे आपका बनता है मैंने आपको एक टेबल दिया था हॉर्मोन्स वाला तो आपको उस टेबल्स में मैंने ये सारे हॉर्मोन्स के प्रिकर्सर्स के नाम बताए थे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर फोर देखो जिसका जिसका मार्क्स फोर्टी के नीचे आ रहा है एडमिट कार्ड कितने बजे आएगा आ जाएगा तुमको बोला है एडमिट कार्ड आज आ जाएगा तो आ जाएगा एक दिन आगे पीछे हो जाता है आज नहीं आया तो कल कंफर्म आ जाएगा नहीं तो आज शाम को दो बजे चार बजे चेक करना ठीक है ऐसे अपनी जान मत निकाल के रखो पहले पढ़ाई करो पढ़ाई अच्छी नहीं हुई तो एडमिट कार्ड का तुम अचार नहीं डालने वाले हो है ना एडमिट कार्ड आएगा तो उससे पास नहीं होते हैं पास होने के लिए पढ़ना पड़ता है एग्जाम देना पड़ता है ठीक है चलो तो जिनका फोर्टी मार्क्स के नीचे आ रहा है बच्चों आप लोगों को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है आपको वन शॉर्ट वीडियो प्लस एम प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है यस yes? चलो तो so, क्या आएगा इसका आंसर अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए फ्रेगमेंट्स पॉजिटिव पोल की तरफ जाते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नीट में अजर्शन एंड रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे तो आपको वैसे ही क्वेश्चन में भी आ सकते हैं इसीलिए इसको हल्के में मत लेना जिसका जिसका ये क्वेश्चन राइट गया है फटाक से लाइक बटन पे क्लिक करो तुमको दिखाई नहीं देता हमारे एफर्ट्स ऐसा नहीं लगता चलो आज मैम को खुश कर देते हैं आज हज़ार लाइक्स कर देते हैं ऐसा नहीं लगता लगता है ना तो करो एक नंबर आलसी और सेल्फिश बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ तो शेयर करते नहीं हो सेशन कुछ बच्चे तो कमेंट भी करते हैं नहीं नहीं मैम हमको आपका लेक्चर इतना अच्छा लगता है हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करेंगे फिर उन लोगों ने टॉप कर लिया तो ये देखो यार मेरे बच्चे हैं और क्या है ते मुल्लों अनि क्या है ते कंपटीशन अनि क्या है तो सेल्फिशनेस ठीक है चला द मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन ऑफ डिसेंट डिसेंट यानी कि इवोल्यूशन इन ह्यूमन इवोल्यूशन इज तो हमने क्या पढ़ा था ड्राहेंस क्या पढ़ा था हमने ड्राहेंस यस yes, रोमैपिथेकस ड्रायोपिथेकस रोमैपिथेकस ऑस्ट्रॉलोपिथेकस तो रोमैपिथेकस से एक ही चालू हो रहा है श्रद्धा ऋतुजा आप लोगों को ये ट्रिक याद आया यस तो करेक्ट आंसर क्या आएगा देखो ड्रायोपिथेकस रोमैपिथेकस होमो हैबिलिस होमो इरेक्टस एच फॉर हैबिलिस ई फॉर इरेक्टस और एन फॉर नियंडरथल और एस फॉर सेपियन तो ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर किसको किसको ये ट्रिक याद है जल्दी जल्दी हार्ट दे दो कलरफुल हार्ट दे दो यस yes, हमने ये अपने वन शॉट लेक्चर्स में पढ़ा था क्योंकि आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए ऐसा सीक्वेंस याद होना चाहिए यस yes, ये ऐसे क्वेश्चंस अगर आप आंख बंद करके भी दे रहे हो तो बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है ठीक है ये श्रद्धा आपकी ट्रिक थी ये सो so, सब लोग श्रद्धा को थैंक यू बोल दो एक बार चलो नेक्स्ट चैप्टर नंबर सिक्स चलो चैप्टर नंबर सिक्स करते हैं ये देखो सुदर्शन ऐसा नहीं रहता रे पागल लड़का मोटिवेशन चाहिए देती हूँ देती हूँ मस्त लास्ट में दूँगी अभी टाइम पास नहीं करूँगी लास्ट में मिलेगा मोटिवेशन यस पहले तुम लोग तो मुझे मोटिवेशन दो आठ सौ बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, तीन सौ लाइक है ये काय का मोटिवेशन है ये तो चीटिंग है रूट कैप हैज नो फंक्शन इन वाटर एब्जॉर्प्शन बिकॉज रूट कैप का वाटर वाटर एब्जॉर्बशन में फंक्शन नहीं रहता बिकॉज इट हैज़ नो रूट हेयर क्योंकि हमको पता है वाटर किधर एबजॉर्ब होता है ओनली रूट हेयर में येस सेकेंड अटैम्प एम एस टी सी टी ट्वेंटी ट्वेंटी टू के लिए नहीं है अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं आया है अगर कोई जी आर पास होता है ऑफिशियल कन्फर्मेशन आती है तो आपको हम डेफिनेटली अपने टेलीग्राम ग्रुप और अपने यूट्यूब चैनल पर करेंगे तब तक के लिए मान के चलो कि दिस इज योर फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट आपको इसी में फोड़ना है इसी में तोड़ना और इसी में टॉप करना है यस yes, एवरीबडी चलो कोई क्वेश्चन की काउंटिंग रख रहा है क्या कितने क्वेश्चन हुए किबरलीन वाज़ फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय किबरलीन पहले किसने डिस्कवर किया था यस इट वाज डिस्कवर्ड बाय देखो लीथम ने साइटोकाइन डिस्कवर किया था वेंट ने ऑक्सीजन डिस्कवर किया था स्कूग मिलर ने भी साइटोकाइनिन ही डिस्कवर किया था तो गिबरलिन वाज डिस्कवर्ड बाय कुरोसोवा और बाद में एंड सुमिकी ने इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म बनाया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर फोर यस बताओ जल्दी जल्दी बताओ yes. क्या आएगा इसका आंसर वी एन टी आर यानी वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट इज द की फैक्टर इन डीएनए प्रोफाइलिंग बिकॉज अच्छा सिक्सटीन क्वेश्चन हो गए अपने ओके okay. वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डीएनए प्रोफाइलिंग क्योंकि वी जो है ये फोर टू एट न्यूक्लियोटाइड्स का होता है और ये हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग पाया जाता है सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन चला प्रशांत भाबड़ नहीं आ रहा है मैम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपको और ज्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत है यस, एम एस टी सी टी टू थाउजेंड फोर का क्वेश्चन नियो डार्विनिज्म नियो मतलब क्या होता है अलग एक्सेप्शन तो डार्विनिज्म इज डैश बताओ क्या आएगा इसका आंसर यस, ट्वेल्थ के सारे चैप्टर्स करके गए तो भी आपका एग्जाम अच्छा होगा बट अगर मार्क्स अच्छे लाने हैं तो इलेवेंथ के भी चैप्टर्स करके जाओ पूरे चैप्टर्स इलेवेंथ के ऑप्शन में मत छोड़ो कौन से क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दू डार्विन वाला या डीएनए वाला कौन से क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहिए डार्विन या डीएनए न्यू डार्विनिज्म मतलब क्या होता है डार्विन का एक्सेप्शन और डार्विन का एक्सेप्शन क्या था मॉडर्न सिंथेटिक थियोरी क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यू फैक्टर्स देखने को मिले थे म्यूटेशन क्रोमोजोमोल एब्रेशन ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के रॉन्ग आ रहे हैं टेक्स्ट बुक रीडिंग, है। रीडिंग करो तो क्वेश्चन के आंसर्स रॉन्ग नहीं आएंगे यस टेक्स्ट बुक रीडिंग करा रे टेक्स्ट बुक रीडिंग करा नेहा कुलकर्णी इलेवेंथ के सारे के सारे लेसन्स अपने ऑलरेडी वन शॉट अवेलेबल है आप एक बार प्लीज देख लो आपको हंड्रेड परसेंट समझ जाएगा नहीं समझा तो मैं वापस ले लूंगी नहीं पूरा इलेवेंथ का सिलेबस नहीं है बेटा इलेवेंथ के सिर्फ चार चैप्टर्स करने हैं बायोमोलिक्यूल ह्यूमन न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेग्यूलेशन कुछ पंद्रहवा या सोलहवा चैप्टर है सिर्फ चार चैप्टर्स करने एमएसटीसी का सिलेबस और वेटेज मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है तो लीची और पाइन में जल्दी फ्लावरिंग करना है तो हम कौन सा हॉर्मोन यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल ऑक्जीन दैट इज सिंथेटिक निफ्ट निफनेफलिन एसिटिक एसिड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर सिक्स यस एवरीबडी चलो ये वाला रीजन कौन सा, ये कौन सा है ये कौन सा है ये कौन सा है बताओ ये तो मुझे पता है ये रूट कैप है ये रूट कैप है बाकी रीज़न आप बताओ बाकी रीजन आप बताओ वेरी गुड प्रशांत स्ट्रैटेजी आपकी सही है चलो दिस इज आई थिंक क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है ना नाइनटीन या ट्वेंटी बेटा पीडीएफ ऑलरेडी अपने वेबसाइट पे है पंकज आप वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड कर लो बच्चा और टेलीग्राम ग्रुप पे भी है अपना ज्ञान डॉट ए पी डॉट कॉम वाला वेबसाइट है उधर ऑलरेडी पीडीएफ है बेटा कितने सारे टीचर्स पी हमारा डाउनलोड कर रहे हमारी वेबसाइट से और क्रेडिट भी नहीं देते हैं तो इसीलिए मुझे रेडीमेड पी देने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता क्योंकि बहुत सारे लोग पी इधर उधर यूज़ करते हैं मेहनत हम करते हैं यूज़ कोई और करता है फिर वो अच्छा नहीं लगता है इसलिए मैं अपना पी नहीं देती हूँ जो आपको बाकी के पी से बायो के वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे चलो तो so, इसका राइट right आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी दिस इज द रूट हेयर जोन दिस इज द जोन ऑफ इलांगी क्वेश्चन बताओ अपने ट्वेंटी में से किसको कितना मार्क्स आया जल्दी बताओ आंसर टाइम मार्क्स टाइम फटाफट ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे सीईटी में हंड्रेड परसेंट जल्दी मार्क्स बताओ ईटी एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है मैं बताऊंगी उसके बारे में सबसे पहले आपको क्या करना है पढ़ाई करनी है पहले पढ़ाई करो एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में वीडियो आ जाएगी उसका टेंशन मत लो चलो ट्वेंटी में से ओके वेरी गुड वेरी गुड ऋषिकेश नाइनटीन वेरी गुड सुदर्शन वेरी गुड यस वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं यस ओके चला क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन चैप्टर नंबर फोर टेबल याद करने बोला था ना मैंने चलो फटाफट फड़ से आंसर दे दो कोई बात नहीं चलो फटाफट फड़ आंसर दे दो Yes. क्या आएगा होमोसेपियंस का तो पता होना चाहिए कितना क्रोमोसोम होता है ह्यूमन में फोर्टी सिक्स तो टू का ऑप्शन क्या आएगा डी तो ए और डी पहले एलिमिनेट हो गए अब चेक करो ईस्टरीशिया को लाए ये यूनिसेलुलर है इसके पास होता है वन तो फोर का आंसर क्या आएगा बी यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन इज राइट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो मैंने ये टेबल लर्न करने बोला था आपको याद आया सबको चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर फाइव यस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू कल आपका लेक्चर्स क्लैश हो रहा था ना फिजिक्स का इसीलिए आज फिजिक्स का लेक्चर शाम को साढ़े चार बजे रखा जाएगा ठीक है ताकि आपका दूसरा लेक्चर्स क्लैश ना हो आज फिजिक्स का लेक्चर साढ़े चार बजे है वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यू सॉल्व करने वाले हैं हम नेक्स्ट चैप्टर्स के ओके okay? चलो इंडस्ट्रियल इज एक्जिबिटेड बाय इंडस्ट्रियल मेलानिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म में एक्सपेरिमेंट किया गया था बिस्टन बेटुलरिया बिस्टन कार्बोन एरिया सो ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री चलो बताओ यस शेख नईम पढ़ा मैंने आपका मैसेज अब बार बार स्पैम मत करो बेटा पढ़ना चालू करो देर आए दुरुस्त आए क्या आएगा इसका आंसर विच टाइप ऑफ वाटर इज अवेलेबल टू प्लांट्स अरे गधे लोग टारगेट स्कोर बूस्टर सब 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 में से मिस क्वेश्चन है यूएसएस देखो हाइग्रोस्कोपिक वाटर सॉइल से चिपक जाता है ग्रेविटेशनल वाटर नीचे चला जाता है कंबाइन वाटर केमिकल के साथ कंबाइन हो जाता है तो प्लांट्स के लिए कौन सा वाटर बचता है कैपिलरी वाटर सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर एवेना कर्वेचर टेस्ट किसने किया था चलो वेरी इजी क्वेश्चन कमॉन आई स्टे क्वाइट यस yes. क्या आएगा इसका आंसर एवेना कर्वेचर यानी सीलियोपटाइल सीलियोपटाइल किसने यूज किया था एफडब्ल्यू वेंट ने ऑक्सिन हार्मोन टेस्ट करने के लिए आई I मीन mean, डिस्कवर करने के लिए सो ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर फोर चलो यस yes. नाइन्टी फाइव थाउजेंड सब्सक्राइबर्स अपने हो गए हैं ऐसा मैंने टारगेट रखा है कि थर्टी फर्स्ट जुलाई के पहले अपना वन लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएगा तो आपके लिए हम स्पेशल गिव अवे अनाउंस करेंगे यस। yes? तो अभी उसके लिए आपको हमारी सपोर्ट करना पड़ेगा हेल्प करना पड़ेगा जितना जल्दी वन लाख सब्सक्राइबर्स होगा उतना जल्दी गिव अवे आएगा और गिव अवे में आपके लिए डेफिनेटली कुछ स्पेशल सरप्राइज़ रहेगा एक्चुअल एग्जाम सी की पाँच अगस्त से लेकर दस अगस्त तक पी वालों की है मतलब ग्यारह तक और फिर बारह से बीस तक पी वालों की है इसमें इतना आइंस्टाइन जैसा सवाल कुछ है ही नहीं दिस इज़ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव यस विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक्स जीनोमिक्स हम किधर किधर यूज़ करते हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के लिए येस yes, ताकि ज़्यादा अच्छे कैरेक्टर्स बना सकें जेनेटिक मार्कर्स डेवलप करने के लिए जिससे हम वायरसेस की स्टडी ईजिली कर सकें जीनोमिक्स uh, के लिए वजह से हमको न्यू न्यू एन्जाइम्स न्यू बायोफ्यूल्स डिस्कवर करने मिलते हैं अलगे में से हम बायोफ्यूल बनाते हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा तो ऑप्शन नंबर ए बी सी सब करेक्ट है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा बताओ इस इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या आएगा आएगा ऑप्शन डी यस सो डी इज द राइट आंसर नहीं होगा क्लास नहीं होगा एग्जाम डोंट वरी चलो इधर देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री में किसी को डाउट है बेटा चैप्टर सिक्स का डाउट है यह बहुत सिंपल है कैपिलरी वाटर मतलब जो दो फॉइल पार्टिकल्स के बीच में वाटर बच जाता है मुझे लगा कुछ डिफिकल्ट डाउट रहेगा यस yes. चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स बताओ ये देखो कुछ नमूने एबीसीडी बोल रहे हैं आके नहीं सुधरोगे कभी नहीं सुधरोगे चलो डार्विन गेव द थियोरी ऑफ रिवल्यूशन वॉज बेस्ड ऑन डार्विन सर की थियोरी किसके ऊपर बेस्ड थी नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर म्यूटेशन के ऊपर मॉडिफिकेशन के ऊपर या सर्वाइवल ऑफ़ द फिटेस्ट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्या अपना ऑप्शन नंबर ए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन जल्दी ट्वेंटी सेवन ही है ना हाँ ट्वेंटी सेवन फर्स्ट चैप्टर नंबर सेवन हॉर्मोन्स वाला चैप्टर चला आवरा पटापटा चलो आया सबको नेचुरल ऑक्सीजन क्या है अपना आई डबल ए यानी इंडोल एसिटिक एसिड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कम ऑन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट चैप्टर नंबर सिक्स चलो क्विक थर्टी मिनट्स आ गए ट्वेंटी एट क्वेश्चन हमने कर लिए फास्ट यस युवराज चौहान सब हो जाएगा डायलॉग मोरने मारने बोल दो खाली लड़कों को बस उसमें तो एक नंबर आ गया मैम हम लोग ओके okay, जब आपका वाटर ग्राउंड में केमिकल्स के साथ कंबाइन होता है तो उसको कौन सा वाटर बोलते हैं दो सॉइल पार्टिकल के बीच का जो वाटर फ्लो होगा दैट इज कैपिलरी वाटर केमिकल वाटर हमने नहीं पढ़ा है हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो सॉइल मॉलिक्यूल्स के बाजू में अधेर हो जाता है चिपक जाता है कंबाइन वाटर अपने केमिकल मॉलिक्यूल्स के साथ चिपकता है सो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ चिपकता है सो ऑप्शन नंबर सी केमिकल विल स्टिक विथ वाटर ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर फोर लैक ओपेर ऑन कम ऑन क्विकली आंसर क्विकली धन्यवाद अरे बेटा इसको ही मॉक टेस्ट समझ के दो मैंने तुमको पहले ही बोला ना अपने साथ एक नोटबुक लेके बैठने का वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन नंबर डालने का और ऐसे ढेर सारे कॉलम्स ड्रॉ करने का ओके सो इधर पे आपका वन से टेन फिर इधर एलेवन से ट्वेंटी ट्वेंटी वन से थर्टी थर्टी वन से फोर्टी ऐसे राइट रॉन्ग राइट राइट रॉन्ग ऐसा डालते जाने का और फिर लास्ट में चेक करने का मैं आंसर भी तुरंत बता देती हूँ तो हो गया आपका मॉक टेस्ट है कि नहीं ये वापरा रहे का तुम्हें शॉर्टकट वे कशाला तुम्हाला पैसे एवढे घालायचे आहेत चला सो चैप्टर फोर ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट लैक्टोज क्या है इंड्यूसर है ओके okay, लैक्टोज के वजह से हमारा पाथवे स्टार्ट होता है लैक ऑपरॉन स्टार्ट होता है आर एन ए पॉलीमरेज ऑपरेटर के साथ बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है बीटा गैलेक्टोसिडेस फर्मीज और ट्रांस एसिटाइलेस थीन एनजाइम बनती है सो ऑल ऑफ दी अबव आपका मेरा फेवरेट ऑप्शन चैप्टर फाइव क्वेश्चन नंबर कौन सा आई है थर्टी चलो दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्टी किसके किसके ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद मार्क्स बताओ किसको किसको थर्टी में से कितना आया चलो क्विक यस yes. जिसको भी ट्वेंटी फाइव के ऊपर मार्क्स है वो लोग लो लाइक बटन पे फटाक से क्लिक करो तो मुझे समझ में आ जाएगा और जिन्होंने ऑलरेडी कर दिया वो लोग वापिस से मत दबा देना पागल लोग क्या आएगा इसका आंसर बैरियर्स टू सक्सेसफुल इंटरब्रीडिंग बिटवीन रिलेटेड स्पीशीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज यस क्या आएगा आंसर आइसोलेटिंग मैकेनिज्म ये सब इसका एग्जाम्पल है तो मेन आंसर क्या आएगा आइसोलेटिंग मैकेनिज्म चलो सब ने मार्क्स कमेंट किए फटाफट से ट्वेंटी फोर ट्वेंटी थ्री थर्टी ओके ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन जब आपका वाटर ग्रेविटी की वजह से नीचे चला जाता है अंडरग्राउंड में तो उस वाटर को क्या बोलेंगे बताओ कम ऑन क्विको वर ग्रेविटी के नीचे चला जाता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल व वाटर सो ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन चलो क्वेश्चन नंबर थर्टी टू चैप्टर नंबर सेवेन चला 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 फिर पंद्रह क्वेश्चन पटापट आंसर यस 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 अरे तुमको ये इजी लग रहा है क्योंकि तुमने पढ़ाई की है अगर ये इजी नहीं होता तो तुमने पढ़ाई नहीं की है अगर आपको सब एम आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन ऐसा मत करो इसका आंसर सी होना चाहिए लेकिन आंसर डी निकला अरे ये मेरे को लगा ही था इसका आंसर डी रहेगा मतलब मेरा राइट आंसर है ऐसा तुक्काबाजी मत करो तुक्का लगाओगे तो खुद से झूठ बोलोगे यस तो इंडोल एसिटिक एसिड आसेट का प्रीकर सर क्या है ट्रिप्टोफैन यस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी चैप्टर नंबर फोर चला इजी पीजी आलू चीजी भूख लगे मेरे को चलो फटाफट आंसर दो लास्ट फिफ्टीन ट्वेंटी क्वेश्चंस लेफ्ट फिर से याद दिला रही हूँ आज इवनिंग में फिजिक्स का एमसीक्यू सेशन फोर थर्टी को होगा कितने बजे होगा फोर थर्टी यस yes. तो so, आप कौन से लेवल पे जीन एक्सप्रेशन को रोक नहीं सकते एट द लेवल ऑफ चार्जिंग ऑफ टी आर एन ए हम ये तीन लेवल्स पे ट्रांसक्रिप्शन रोक सकते हैं बट यहाँ पे हम उसको नहीं रोक सकते सो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर ये देखो तीन लेवल पे रोक सकते हैं ले, चार्जिंग लेवल पे नहीं रोक सकते चलो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ट क्वेश्चन थर्टी फोर चलो कमॉन यस डैश रिजल्ट इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यस यस थीएटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता आंसर राइट right है तो वन मार्क्स मिलेगा रॉन्ग है तो नो no मार्क्स जीरो मार्क्स पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता चलो अभी इसका आंसर सबको पता चल गया है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हमको क्रॉसिंग ओवर से मिलता है क्रोमोजोम एक्सचेंज मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं जीन्स एक्सचेंज करते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन थर्टी फाइव चैप्टर नंबर सिक्स सॉरी सेवेंथ हॉर्मोन वाला क्वेश्चन है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन किसका किसका राइट आया देखते हैं वो लोग हाथ ऊपर करेंगे जिसका जिसका ये आंसर राइट right आएगा वो लोग हाथ ऊपर करेंगे ऑक्सीजन हार्मोन जब ज्यादा होता है तो क्या प्रमोट करता है और कम होता है तो क्या प्रमोट करता है ऑक्सीजन से रूट और शूट बनता है बट हाई कॉन्सेंट्रेशन से क्या बनेगा और लो कॉन्सेंट्रेशन से क्या बनेगा बताओ क्या आएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रमोट शूट एंड लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रमोट्स रूट यस। yes. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स चैप्टर फोर वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यू देखते किसको आता है आई स्टे क्वाइट तो मैं का हीच बोलना नहीं बगू या को बरोबर उत्तर देते है यस। yes. चलो जल्दी यस देखो क्या बोला है नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इन पॉलीपेप्टाइड चेन इज कितना अमीनो एसिड्स है अपने पास 150 अमीनो एसिड है एक अमीनो एसिड बनाने के लिए हमारे पास 150 अमीनो एसिड्स है एक अमीनो एसिड बनाने के लिए वी नीड कितना नाइट्रोजन बेस थ्री नाइट्रोजन बेस है ना एक कोडॉन में तीन बेसेज रहते हैं तो 150 अमीनो एसिड्स बनाने के लिए कितना नाइट्रोजन बेस लगेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो 150 फिफ्टी इंटू क्या आएगा आंसर 450 नाइट्रोजन बेसिस सबको ये क्वेश्चन समझ में आया ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका राइट right आंसर ये मैंने अपने डिटेल सेशंस में भी कवर किया था सबको समझ में आया इसका आंसर बी आएगा एक अमीनो एसिड आपके जैसे मिथियोनिन ए जी से बनता है तो एक अमीनो एसिड तीन नाइट्रोजन बेस से बनता है तो डेढ़ सौ अमीनो एसिड बनाने के लिए कितना नाइट्रोजन बेस लगेगा फोर फिफ्टी नाइट्रोजन बेसिस समझ में आया सब लोग एक बार थम्सअप दे दो बच्चा मुझे यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ओके अभी ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये थर्टी सेवन चैप्टर फाइव वेरी इंपॉर्टेंट एनसीक्यू बोल रहे थे ना मैम थोड़ा डिफिकल्ट वाला लेके आओ चलो आ गया डिफिकल्ट एमसीक्यू प्रवीण चौधरी सीएटी एग्जाम के ड्रेस कोड के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है आप वो वीडियो देख सकते हैं मैं किसी का नाम नहीं लेने वाली किसी को फोकट का आउट नहीं मिलने वाला आंसर दो मार्क्स लेके आओ आउट ऑफ लाओ सीधा इंटरव्यू लूंगी मैं आपका जिसका भी 99 प्लस परसेंटाइल आएगा उसका अपनी चैनल पर इंटरव्यू आएगा इमेजिन करो लाखों बच्चे आपको देखेंगे अभी भी 43 परसेंट ऐसे नालाइक स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है पर वीडियो रोज देखते हैं एक नंबर चैप्टर बच्चे हैं सो अगर आपका 99 प्लस परसेंटाइल आया तो आपका इंटरव्यू जरूर हम अपनी चैनल पर अपलोड करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा डी मैन का कैपेसिटी कितना होता है लेकिन इधर ह्यूमंस का ऑप्शन तो दिया ही नहीं है तो जो सबसे फोर्टीन हंड्रेड के नियरेस्ट है हम वो काउंट करेंगे फोर्टीन फिफ्टी सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन ऑप्शन राइट right है ऑप्शन रॉन्ग नहीं है नियरेस्ट वैल्यू चूज़ करनी है ऑप्शन आंसर फोर फोर्टीन हंड्रेड है लेकिन उसका नियरेस्ट वैल्यू चूज करना है फोर्टीन हंड्रेड से नज़दीक कौन सा है चलो आंसर रॉन्ग नहीं है रे, अभी तुम लोग को एक एक खटूस दूंगी मैं आंसर रॉन्ग नहीं है बोला ना अच्छी बात है ना एक हज़ार से ज्यादा बच्चों का नाइन्टी नाइन परसेंटाइल आया तो हंड्रेड परसेंट आइल वालों का इंटरव्यू ले लेंगे या उसमें से अपन चिट सिस्टम करेंगे किसी पांच बच्चे का चलो तो द माइक्रो एनवायरमेंट सराउंडिंग द रूट रूट के आजू बाजू का जो एनवायरमेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं राइजो मतलब रूट और स्पीयर मतलब एरिया सोराइजो so, स्पीयर यानी रूट का माइक्रो एनवायरमेंट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन थर्टी नाइन थर्टी नाइन है ना चैप्टर नंबर सेवन चलो लेट्स सी यू कैन आंसर येस बताओ क्या आएगा किबरलिन क्या है यस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार चलो कौन से क्वेश्चन पे हम क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन पे हैं इट इज नथिंग बट एसिड लिब्रिलिक एसिड बोलते हैं ना सो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी लेट सॉल्व क्वेश्चन नंबर फोर्टी यस विच ऑफ द फॉलोइंग कोडोन्स आर नॉट रिकोगनाइज बाई एनी अमीनो असाइल टी आर एन एस क्विक चलो कौन से कोडाउन है कोई भी टी आर एन ए नहीं बनता है ऑल ऑफ द अबव ये तीनों के तीनों कौन से हैं तीनों के तीनों स्टॉप कोडॉन है तीनों कौन से कोडोन्स हैं ऑल थ्री आर स्टॉप कोडॉन स्टॉप कोडॉन स्टॉप कोडॉन सो किसी के लिए भी टी आर एन ए नहीं बनेगा सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर चलो अपने अपने मार्क्स कमेंट करो जल्दी डी में से किसको कितना मार्क्स आया फटाफट आई डोंट हैव टाइम क्विक जल्दी किसको कितना मार्क्स आया कमेंट फोर्टी में से किसको कितना मार्क्स आया ये चलो लास्ट के एट दस क्वेश्चंस बचे हैं ओके वेरी गुड वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यस फ्रॉम चैप्टर नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन अगेन टेबल फाइव पॉइंट वन सेवन थोड़े से आठ दस क्वेश्चन है दस मैक्सिमम होंगे शायद ज़्यादा नहीं बचे थोड़े से ही बचे चलो जल्दी जल्दी फास्ट वी विल फिनिश इन टेन मिनट्स क्विकली चलो मैक्स टेन मिनट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन होमिनोइड होमिनोडे होमोसेपियन इसमें ह्यूमंस तो पक्का आएगा और ह्यूमंस का ऑप्शन किधर दिया गया है ओनली ऑप्शन नंबर ए में तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू चैप्टर नंबर सेवन हॉर्मोन्स आपको फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढ के निकालना है नॉट ट्रू मजे फॉल्स स्टेटमेंट चलो बताओ इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है यस yes. बताओ क्या आएगा इट प्रिवेंट्स बोल्टिंग नो ये प्रिवेंट नहीं करता है इट एग्जिबिट्स बोल्टिंग यानी कि ये बोल्टिंग करता है इसकी वजह से हमको रोसेट पैटर्न दिखाई दे रहा है कॉलीफ्लावर में ऐसा 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 सॉरी कैबेज में ऐसा 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 रोजेड पैटर्न देखने मिलता है सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इट इज फॉल्स स्टेटमेंट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री चैप्टर सिक्स चला फटाफट सांगा तो लास्ट सिक्स सेवन क्वेश्चन लेफ्ट शायद मैं कुछ फिफ्टी फिफ्टी वन क्वेश्चन लेकर आई हूँ आई डोंट रिमेंबर चलो जल्दी बताओ आज शाम का फिजिक्स सेशन कितने बजे है सब लोग टाइप करो चैट बॉक्स में यस यस सो रूट हेयर रूट हेयर के सेल वॉल में दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं कौन से कौन से पेक्टिन एंड सेलुलोस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एन सी क्यू आएगा ही आएगा ये सी टी एग्जाम में चलो नेक्स्ट क्वेश्चन द इनिशिएशन कोडॉन इन एम आर एन ए क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर चैप्टर फोर इनिशिएशन कोडॉन एम आर एन ए कौन से टी आर एन ए से बाइंड करेगा वेरी गुड शाम को साढ़े चार बजे सब लोग आ जाना बोरिया बिस्तर बांध के रिवीजन करके आना कौन सा कौन सा चैप्टर लेने वाले हैं सर आज बताओ कल सर ने बताया होगा ना कौन सा कौन सा चैप्टर लेने वाले हैं Yes। कल भी अपना बायो का सेशन होगा सुबह बा, साढ़े बारह बजे ओके सो ए यू जी एम आर एन ए के ऊपर है टी आर एन ए के कौन से कोडॉन से ये बाइंड करेगा यू ए सी तो ऑप्शन नंबर बी इज़ दी राइट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो ए यू जी बाइंड विथ यू ए सी क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव, चैप्टर नंबर फाइव। कल बायो का सेशन कितने बजे होगा साढ़े चार बजे सॉरी साढ़े बारह साढ़े बारह बजे चैप्टर कौन सा लेने वाले हैं हम एट एंड नाइन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आठ चैप्टर में से दस एम सी क्यों आता है नाइन्थ चैप्टर में से दस एम सी क्यों आता है कल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लेने वाले हैं हम यस सर्क्यूलेशन एंड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कल का लेक्चर कोई मिस मत करना और आज आपका फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है साढ़े चार बजे कितने बजे साढ़े चार बजे तो सब लोग फिजिक्स का लेक्चर रिवाइज करके आना हाँ फॉसिल्स तंजानिया में किसके फॉसिल्स मिले थे ऑस्ट्राइलोपिथेकस जिसको हम क्या बोलते हैं ये देखो ये अपना ऑस्ट्राइलोपिथेकस है इसको हम क्या बोलते हैं मैन विथ ए ब्रेन और इसके फॉसिल्स मिले थे तंजानिया में कैन यू सी यस यस मैम वी कैन सी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर कौन सा ये फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स सिक्स चलो क्विक लास्ट थ्री फोर क्वेश्चन लेफ्ट इस सीरीज के बाद हम लेंगे मॉक टेस्ट यानी मोस्ट एक्सपेक्टेड हंड्रेड एम अभी मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज लेकर आ रही हूँ इसके बाद मैं हंड्रेड हंड्रेड एमसीक्यूज लेकर आऊंगी फुल सिलेबस जिसमें इलेवे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन भी होंगे येस yes. चलो जल्दी क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे याद करें इतना छोटा सा तो टॉपिक है वन शॉट देख के टेक्स्ट बुक रीड करो तीन चार बार याद हो जाएगा मैक्सिमम वाटर किधर एब्जॉर्ब होता है रूट हेयर के पास किधर एब्जॉर्ब होता है रूट हेयर के पास ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन फोर्टी सेवन चैप्टर सेवन चलो जल्दी क्विक जिसको जिसको सेशन अच्छा लगा है लाइक बटन पे क्लिक कर दो फटाफट से चलो एजेंट ऑरेंज कौन से दो केमिकल से बनता है याद है वियतनाम में डिफोलिएशन किया गया था वॉर हुई थी यस yes. अब बस सेशन खत्म होने वाला है फोर्टी सेवन का आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर यस इट विल बी ऑप्शन नंबर सी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी एट चैप्टर फोर क्विक टी आर एन ए का स्ट्रक्चर याद करो टी आर एन ए का अनपेड बेस कौन सा होता है यहाँ पे कौन से सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं जिधर पे आपका अमीनो एसिड आके बाइंड होता है येस yes. जल्दी चलो नेक्स्ट आंसर uh, क्या आएगा इसका सी सी ए ये देखो आपकी थ्योरी में दिया गया है अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड के पास कौन सा बेस होता है सी सी ए इसको प्लीज लर्न करो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट चैप्टर नंबर फाइव ऑन क्विक लास्ट थ्री फोर क्वेश्चन लेफ्ट मुझे याद नहीं मैंने कितने क्वेश्चन लिए शायद और दो क्वेश्चन है पचास फिफ्टी वन फिफ्टी टू कुछ लिया होगा या कम भी हो सकता है जल्दी 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 यस डैश मैन वॉज कॉल्ड टूल मेकर यस टूल मेकर यानी हैंडीमैन यानी अपना होमो होमोहेबिलिस्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन चैप्टर नंबर सेवन जल्दी क्विकली चलो क्विक फास्ट यस एंड मिलर डिस्कवर्ड फर्स्ट ऑन ऑन वर्किंग टिश्यू ऑफ निकोटियाना टबैकम ऑप्शन डी इज द राइट आंसर एक्सीलेंट चलो लास्ट क्वेश्चन है शायद ये क्वेश्चन नंबर फिफ्टी चैप्टर नंबर सिक्स जल्दी एबीसीडी सब सब ऑप्शंस बोल रहे बच्चे तब इतने स्मार्ट बच्चे आते किधर से हैं क्या आएगा इसका आंसर चलो जल्दी हाउ मेनी रीजन्स इन अ टिपिकल रूट इज प्रेजेंट यस सो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर कितने रीजन प्रेजेंट होते हैं फोर रीजन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यस रीजन ऑफ रूट है फटाफट से ये वन शॉर्ट वीडियो देख के रिविजन स्टार्ट करो आज साढ़े चार बजे फिजिक्स का सेशन है साढ़े चार फिजिक्स और कल बायो का चैप्टर एट एंड नाइन बायो का चैप्टर एट एंड नाइन का एम सी क्यूज़ में लेने वाली हूँ पचास साठ एम सी क्यूज सॉल्व करेंगे ठीक है कितने बजे साढ़े बारह बजे कल ठीक है आप फिज़िक्स का रिवीजन इस वीडियो से कर सकते हो ये अपने रीसेंट वन शॉट लेक्चर से यहाँ से भी रिवीजन कर सकते हो ये पुराने वन शॉट लेक्चर से इधर से भी रिवीजन कर सकते हो चैप्टर वाइज एम सी क्यूज शिफ्ट वाइज एम सी क्यूज सब दिया गया है जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता मुंबई में हमने इस साल अपना ज्ञान लैब ट्यूटोरियल ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट किया है और यहाँ पर ऑलरेडी बैचेज स्टार्ट हो चुकी है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं अपने जूनियर्स फ्रेंड्स और, और, और रिलेटिव्स को रेकमेंड कर सकते हैं तो जल्दी जल्दी अपनी सीट बुक करो क्योंकि पूरी मुंबई में ओनली इन वडाला दादर माटुंगा सायन रीजन सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपको ज्ञान लैब ट्यूटोरियल में ही मिलेगा इसके अलावा सारे लिंक्स और सारे अपडेट अभी मैं चेक करती हूँ एडमिट कार्ड आया कि नहीं आया और उसका अपडेट करती हूँ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक्स एंड अपडेट्स आपको किधर मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे सो so, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो नीट वाले बच्चों के लिए नीट चैनल है आप नीट का चैनल भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं यस आई होप आपको सेशन मजा आया होगा और आपने अब तक हमारी लाइफ बफरिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो चलो सब लोग अपने मार्क्स कमेंट करके बताओ फटाफट से और जल्दी जल्दी वन लाख सब्सक्राइबर्स कर दो ताकि आपके लिए स्पेशल गिव अवे आ सके यस तो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल क्लिक ऑन दी सब्सक्राइब बटन एंड आई एल सी यू एट फोर थर्टी मैं आपको कितने बजे मिलूंगी शाम को फोर थर्टी को फिजिक्स के लेक्चर में चलो साथ में फिजिक्स पढ़ेंगे मैं भी सीई टी एग्जाम देने वाली हूँ आपके साथ ओके okay, चलो बाय एवरीबडी कमेंट योर मार्क्स इन दी कमेंट सेक्शन हैव अ गुड डे सी यू एट फोर थर्टी बाय बाय